आईपीएल में 40वें मुकाबले में मुंबई के हाथों मिली हार के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अगले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ भिड़ने जा रही। बता दें आपको कि यहां पर ये मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीएसके के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर वो ये मुकाबला जीत जाते हैं तो सीधा यहाँ पर वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करें। कल शाम को खेले जाने वाले इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो कल के मुकाबले में यहाँ पर एक बात तो तय है कि एक अलग तरीके का मुकाबला देखने को मिलेगा। विराट और धोनी की अगर लड़ाई की बात की जाए तो इस मुकाबले में यहाँ पर यह मुकाबला दुबई के स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। ऐसे में आरसीबी के खिलाफ सीएसके की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो प्लेइंग 11 सीएसके की काफ़ी ज़्यादा शानदार रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि सीएसके की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कल के मुकाबले की अगर बात की जाए तो कल के मुकाबले में एमएस धोनी ने 4 बदलाव करने की ठान। दरअसल आपको बता दें कि शेन वॉटसन की टीम में वापसी होगी और ऋतुराज गायकवाड़ और नारायण जगदीशन में से कोई एक ये मुकाबला खेलता नजर आएगा। कल हो सकता है कि यहाँ पर फाफ डु प्लेसी को रेस्ट करा दिया जाए। साथ ही ये भी खबरें हैं कि फाफ डु प्लेसी की जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जा सकता है। वही लुंगी एंगिडी को भी टीम में वापस लाने की बात कही जा रही है और हो सकता है कि रविंद्र जडेजा को अप इन दी ऑर्डर बल्लेबाजी कराई जाए। एमएस धोनी भी खुद भी अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी ज्यादा हैरान होंगे क्योंकि अगले सीजन के लिए अब सीएसके को तैयारी करनी है। सीएसके के लिए टूर्नामेंट का सफर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर वो अपने बचे हुए 3 मुकाबले जीत जाती है तो ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगले सीजन में फिर आपको अपना सही कॉम्बिनेशन ढूंढने में मदद मिल जाएगी। ANP